हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं पटवा गार्डनिंग। पौधों के लिए खाद का बहुत ही महत्व है। बिना खाद के हमारे पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और खाद के लिए हम अनेकों प्रयत्न करते हैं। हमारे पास नहीं होती है तो खरीद के लाते हैं और हम बनाने की भी कोशिश करते हैं। हम किचन वेस्ट से बनाते हैं, पत्तों से बनाते हैं और अन्य कई तरह से लिक्विड खाद भी बनाते हैं। वो सब हम गार्डन में यूज़ करते हैं। हमने किचन वेस्ट से खाद बनाई, पत्तों से भी बनाई। अब उसको हम और अधिक पावरफुल कैसे बनाएं, वो आज मैं आपको बताता हूँ। हम सारी खाद को मिक्स करके उनको और अधिक पावरफुल बनाएंगे। इस तरह से मिक्सर बनाने पर यह खाद और अधिक कंपोस्ट हो जाएगी। जो भी कुछ रह गया होगा सब कंपोस्ट हो जाएगा और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। हमने इसमें पहले मिट्टी की एक लेयर बिछा दिया है, उसके बाद में पत्ते और जो भी हमारा किचन वेस्ट का सूखा हुआ जो रहता है वो हमने सब सुखा के रख लिया है। और पत्ते इसमें जो पुराने हमारे फूल के पौधे थे, गेंदे के पौधे और जितने भी पत्ते हमारे गार्डन से निकले वो सारे हमने इसमें डाल दिया पहले। उसके बाद में ये जो हमारा किचन वेस्ट से बना हुआ ये है, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। ये जितना भी हमारा जो किचन वेस्ट का बना हुआ था खाद हमारी, ये सब हम इसमें डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम एक लेयर और मिट्टी की डाल देंगे। ये हमारी गार्डन सॉइल है, इसको हम एक लेयर डाल देंगे। ये एक लेयर पूरी मिट्टी हम डाल देंगे। अब ये और ये हमारे पास किचन वेस्ट का एक खाद है, ये भी हम इसमें और डाल देंगे। जितनी भी खाद है आपके पास में, सब किचन वेस्ट की और पत्तों की खाद, वो सब इसमें डाल सकते हैं। सब डाल दीजिए। किचन वेस्ट की जितनी भी खाद मैंने बनाया था वो सारी मैंने इसमें डाल दिया है। और ऊपर से हम एक लेयर मिट्टी की और डाल देंगे इसमें, ताकि ये सब उसमें मिक्स हो जाए। ये हमने मिट्टी इसमें डाल दी है, इसको हम पूरा फैला देंगे। इस तरह से हम इसको पूरा कवर कर देंगे। आप गमले की जो मिट्टी निकली हुई है हमारी, वो सब हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से भरने के बाद हम इसमें ऐसा पन्नी से कवर कर देंगे, ऐसा ये पॉलीथीन से कवर कर देंगे इसको। और ऊपर से एक और फट्टी वाली ये हम इसको भी ढक देंगे और इसे धूप में रखा रहने देंगे इसको। इसको हम 1.5-2 महीने तक धूप में रखेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। ये हमारी खाद बनके तैयार हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मुझे हौसला मिले। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।